नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगामी चुनाव के मद्देनजर कमेटी के पूर्व प्रधान और जागो पार्टी के अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंजीत सिंह जीके ने बताया कि उनकी पार्टी ने अभी 40 सीटों में से 37 सीटों का ऐलान किया है। साथ ही ये भी साफ किया गया है कि उनकी जागो पार्टी अन्य दो पार्टी के साथ मिलकर कमेटी का चुनाव लड़ेगी और आगामी चुनाव में भ्रष्टाचार, शिक्षा के साथ साथ हेल्थ जैसे मुद्दों को अपना हथियार बनाएगी और दावा करते हुए कहा कि इन मुद्दों के जरिए वो जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा मंजीत सिंह ने मनजिंदर सिंह सिलसा और उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनको हराने का लक्ष्य रखा। सिविल लाइन्स कॉन्स्टिट्यूएंसी तो साड़ी पार्टी दे करमठ लीडर नेता जतिंदर सिंह सैली जी, मैं समझदा कि सैली साहब लंबे समय तो उस इलाके दे विच काम कर रहे ने और पार्टी ने उन्हां दे नां दा चयन करके फैसला किया है। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी साड़ी तकरीबन टीम यूथ दी है, लेकिन सर अक्षर सिंह परमार जी रघबीर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सरदार जोरावर सिंह जी, असी रघबीर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सर जोरावर सिंह होरानू दिती है, मैं जकारा छड़दा परवानगी दियो बले सो निहाल। तिलक विहार कॉन्स्टिट्यूएंसी तो सर बाबू सिंह दुखिया जी, कृष्णा पाक तो सर हरजीत सिंह टेक्नो जेड़े बहुत पुराने समय तो पंथ की सेवा च कई दफा उन्होंने साडे नाल जेलां भी भुगतियां, डेमोस्ट्रेशन भी कीतियां और गुरद्वारा साहब की तरक्की लई, सिक्खी दे प्रचार लई लंबे समय तो साडे नाल लगे ने। मैं जकारा छड्डांगा परवानगी दिओ बले सो निहाल। मैं समझता हूँ कि हमारा मुकाबला दो पार्टियों से है। एक पार्टी वो जिसने गुरु ग्रंथ साहिब को बेदबी कराई, डेरे को माफी दी जिन्होंने बेदबी करी और बच्चों पे गोली चलाई, लाठी चलाई, किसानों की मैं समझता हूँ कि डेथ वारंट पे हरसिमरत बादल ने और बादल ने साइन किए। एक पार्टी वो है जिसने दो दो संग्राम मनाए, जिन्होंने मैं समझता हूँ अकाल तख्त साहब के खिलाफ जिहाद छेड़ा और अकाल तख्त साहब के खिलाफ जिहाद ही नहीं छेड़ा, दो दो गुरुपुरबों की तरीके निकाली। और ये दोनों पार्टियों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने या तो सज्जन कुमार को सरोपा दिया हो या सज्जन कुमार से कोई ना कोई पैसे का लेन देन किया हो अपनी कौम की पीठ में चुरा मारने के लिए। समय आने पे ये सब चीजें सामने आएंगी। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली कैट एम्बुलेंस में एरोसिटी के पास अचानक आग लगने से हादसा हो गया। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी कैट एम्बुलेंस धू धू कर जल गई। तो वही राहत की बात तो ये रही कि हादसे के समय एम्बुलेंस में मौजूद लोग सुरक्षित बाहर आ गए, जिसके चलते कोई घायल नहीं हुआ। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की दो गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना में डूबे हुए युवक का चार दिन बाद यमुना नदी के किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृतक के शव पर चोटों के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शक के चलते बुराड़ी थाना पुलिस ने मृतक के दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे मामले की पूछताछ करने में जुट गई है।
वहीं साउथ ईस्ट दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में घर के पास धूम्रपान करने से मना करने पर युवक को गोली मारने की घटना सामने आई है। दरअसल धूम्रपान करने वाले युवक ने सिगरेट पीने से रोकने पर नाराज हो गया और अपने दोस्तों को बुलाकर युवक को गोली मारी थी, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस के घटना की सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती किया। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी तस्लीम उल्ला खान गैंग के सदस्य हैं। उनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद की है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान सलमान यासिर उर्फ डैनी और दानिश के रूप में की गई है। वहीं वसंत विहार इलाके में रहने वाले एक युवक के घर से 2 किलोग्राम सोना चुराकर फरार हो जाने वाले घर के सहायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर उनसे 4 सोने की चेन और 127 सोने की अंगूठी बरामद की है, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। तीनों आरोपी को पुलिस ने झारखंड के नक्सल प्रभावित जिला गिरिडीह में छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। DCP इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे पता चल गया था कि उसके मालिक ने घर में ढेर सारा सोना रखा है। उसे लगा कि उसमें से कुछ निकालने पर उसके मालिक को पता नहीं लगेगा। वहीं सनलाइट पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम ने 3 दोस्तों को स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताते चलें कि ये तीनों दोस्त नशे के आदी हैं और नशे की पूर्ति के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए DCP RP मीणा ने बताया कि 2 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली थी कि महारानी बाग बस स्टॉप पर स्नैचिंग की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी और जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से लगातार अब पूछताछ कर रही है। शहादरा जिला की पुलिस ने 2 स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी का मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इस मामले की जानकारी देते हुए शहादरा जिले की DCP ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक 9 साल की बच्ची के हाथ से 2 मोटरसाइकिल बदमाश फोन छीन कर फरार हो गए, जिसके बाद शिकायत दर्ज करते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। जांच में पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सभी CCTV फुटेज खंगाले और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली में उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसका नाम बाबू बताया जा रहा है, जो अपने नाम बदलता रहता था। आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया है, लेकिन ये आरोपी बहुत ही शातिर है क्योंकि इसकी तलाश बंगाल पुलिस भी कर रही है। दरअसल बीते महीने बंगाल के एक अस्पताल में 5 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन आपस में चोरी के सामान का बंटवारा करने को लेकर झगड़ा हुआ तो एक साथी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी छत्तीसगढ़ पहुंच गया और उसके बाद दिल्ली में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगा। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हुई बाबू की गिरफ्तारी से मर्डर, डकैती की प्लानिंग और चोरी के 4 मामलों का खुलासा हुआ है और आगे की छानबीन की जा रही है। इसके अलावा आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी बंगाल पुलिस को भी दे दी गई है। शहादरा के फर्श बाजार थाना पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में शामिल बदमाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से लूटा हुआ मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान अभिषेक के तौर पर हुई है, जबकि दूसरा आरोपी नाबालिग है। बताया जा रहा है कि विश्वास नगर के 60 फुटा रोड पर प्रिंस नाम के युवक से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया और भागने लगे। इस दौरान प्रिंस के शोर मचाने पर पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल लोकेश और कांस्टेबल सुमित ने भाग रहे बदमाश को पकड़ लिया।
डाबरी थाना पुलिस ने एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक ट्रक में से शराब बरामद की गई है, जिसमें 125 पेटी शराब पकड़ी गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोपी का नाम अभिषेक बताया जा रहा है, जो पालम का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 17 साल की उम्र से ही क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, जिसकी उम्र अब 25 साल हो गई है। डाबड़ी थाने की पुलिस टीम ने अभिषेक सन ऑफ राजेंद्र करके इलिसिट लिकर का सप्लायर है, इससे जो टाटा टेम्पो था इसके पास में, उससे इलिसिट लिकर बरामद हुई है। 6230 क्वार्टर्स और 125 कार्टून में वो रखी हुई थी, इसको बरामद कर लिया गया है और इसका जो टेम्पो था इसको भी सीज कर लिया गया है। सब्सिक्वेंटली जहाँ से लेके आया था, गुड़गांव का सोर्स बता रहा है, और उसको सोर्स को ट्रेस करने के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अक्यूज की पुरानी 5 इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जिसमें एक्साइज एक्ट के हैं 2, एक गैम्बलिंग एक्ट की है, एक इसमें 183 का केस है, और एक जो है झगड़े का केस है पीएस थापा जिला का। अक्यूज पालम कॉलोनी का रहने वाला है और 25 साल का है। इसमें आगे फर्दर सोर्स और इसके एसोसिएट से लिंक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो एक दिल्ली से खबर, जहां हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास लगी भीषण आग। सब्जी मंडी में आग लगने से तांडव मचा है। गोदाम में आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद ओखला औद्योगिक थाना पुलिस फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां पहुंची मौके पर। किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन दिल्ली के हरकेश मेट्रो स्टेशन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोदाम में आग लगी है, 7 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद है, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जींद के हुड्डा ग्राउंड में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा, साथ ही दिल्ली में एलजी पावर बढ़ाए जाने को लेकर अपना दर्द बयां किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों को लेकर महीनों से डेरा जमाए हुए हैं, साथ ही देश भर में अलग अलग जगह पंचायतें कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून पर जू तक नहीं रेंग रही। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जींद पहुंचे और किसानों की महापंचायतों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आंदोलन में 300 किसानों की शहादत को याद किया। लेकिन पूरे देश की तरफ से उन 300 लोगों की शहादत को नमन करता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। अब हमारी जिम्मेदारी है, पूरे देश की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। अब अंत तक लड़ना है, लड़ोगे? अंत तक लड़ना है, उनकी शहादत बेकार नहीं होनी चाहिए। महापंचायत में केजरीवाल ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में आने वाले किसानों को 9 स्टेडियमों में जेलों में बदलने की सिफारिश रची, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र बनाया, चलो इन किसानों को आने दो दिल्ली, जब ये दिल्ली पहुंचेंगे तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम उन्होंने सोचा, इनको जेल बना दिए हैं। कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, तो केंद्र सरकार ने फाइल भेजी मेरे पास और भाई साहब फोन पे फोन आने लगे। इतना प्रेशर डाला इन्होंने, केंद्र वालों ने इतना प्रेशर डाला
कि ये जेल बना दो, जेल बनाना बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी भी दी उन्होंने मेरे को, तुम्हारी पावर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर भाई साहब मैं नहीं माना, मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी। इतना ही नहीं, केजरीवाल यही नहीं रुके, बल्कि किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाते हुए उन्होंने हरियाणा सरकार को भी नहीं छोड़ा और पुरानी बातें याद दिलाते हुए किसानों का हौसला बढ़ाया। मेरे को याद है जब किसानों ने, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करा था, दिल्ली बॉर्डर की तरफ आ रहे थे, तो हरियाणा सरकार ने जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े, जगह जगह बैरियर लगा दिए, उनके ऊपर लाठी चार्ज करा। लेकिन हमारे किसानों की हिम्मत देखो, सरकारों के बुलडोजर पार करते हुए, आंसू गैस के गोले पार करते हुए, इनके लाठी चार्ज पार करते हुए हमारे किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दर्द निकलकर भी सामने आ गया और GNCDD कानून का जिक्र करते हुए कहा कि हमने किसानों का साथ दिया, इसलिए खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार से ज्यादा शक्तियां दी गई। और अब वो संसद के अंदर एक बिल लेके आए हैं केजरीवाल को सजा देने के लिए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है हमने, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए वो अब हमें सजा दे रहे हैं। वो एक कानून लेके आए, कानून पास कर दिया संसद ने कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री की कोई पावर नहीं होगी, सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की। संसद के अंदर जब ये बिल पे चर्चा हो रही थी, सुशील गुप्ता जी वहीं बैठे थे संसद में, बीजेपी के एक एक सांसद ने खड़े होके बोला केजरीवाल ने किसानों का समर्थन किया था, इसलिए केजरीवाल को सजा दे रहे हैं हम लोग। आखिर में जाते जाते केजरीवाल केंद्र पर तंज कस गए और देशभक्ति का जज्बा दिखाते हुए कह डाला कि वो किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार। दरअसल पिछले करीब 4 महीने से किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता हुई लेकिन सफल नहीं हो पाई। साथ ही सरकार कहती है कि इन कृषि कानूनों से निवेश के रास्ते खुलेंगे और किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे किसानों में जोश भरने के लिए केजरीवाल किसानों के बीच पहुंचे, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि किसानों की समस्या का समाधान होता है या वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिसके साथ ही दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 मार्च के बाद ही शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 79% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 26 मार्च को दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1307 थी, जो कि अब 2338 हो गई है। इनमें से एक्टिव जोन की संख्या 2007 है। इसके अलावा हर चौथा जोन केवल एक जिले दक्षिण दिल्ली में है, यानी इस समय सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन साउथ दिल्ली में है। तो वही साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर फर्स्ट में बी ब्लॉक में 2 घरों को सील कर दिया गया है। इसमें कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें
दो बिल्डिंग में करीब 15 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए ही दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है। साउथ दिल्ली में 528 यानी कि 26% एक्टिव जोन है। दक्षिण पूर्वी जिले के कुल एक्टिव कंटेनमेंट जोन की संख्या 868 तक पहुंच गई है, जो कि सभी रेड जोन का करीब 43% है। नॉर्थ दिल्ली में 325 कंटेनमेंट जोन है और इनमें से 278 एक्टिव जोन है। इस वक्त साउथ ईस्ट के लाजपत नगर फर्स्ट में है और यहाँ पर जिस तरीके से कोविड के केस हैं, यहाँ पर दो बिल्डिंग हैं, इसी में जो है कोविड के मरीज हैं, इसको जो है दिल्ली पुलिस और जो SDM है विनोद यादव, उनके द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से इसी बिल्डिंग में जो है काफ़ी जो मरीज कोविड के हैं यहीं पर हैं, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस हर वक्त मुस्तैद रहते हैं और इन लोगों को जो भी ज़रूरत होती है उसको लेकर यहाँ पर पुलिस वाले को फ़ोन किया जाता है, वो सामान यहाँ पहुँचा दिया जाता है। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो लाजपत नगर थाने के SHO धर्मदेव और जो एडिशनल SHO हैं सतविंदर जी, यहाँ पर काफ़ी मुस्तैद खुद राउंड लेते हैं यहाँ पर कि पता करते रहते हैं कि और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं यहाँ पर मैं बात करूँगा सतविंदर जी से, किस तरीके से पुलिस जो है यहाँ पर लोगों को जो कोविड मरीज हैं उनको किस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से कोविड के मरीज यहाँ पर हैं, तो किस तरीके से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल यहाँ पर उन लोगों की मदद करते हैं? यहाँ पर हमने एक तो बैरिकेडिंग करी हुई है जिससे कि लोगों को पता रहे और उस बाउंड्री को एक्सेस करके लोग जाएं ना, और जो भी यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं जिसकी वजह से इसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है, तो उनको जो भी प्रोवाइड चीज़ें चाहिए रिक्विजिट बेसिक नेसेसिटीज़ की, वो हमारा स्टाफ प्रोवाइड करता है, कॉन्टैक्ट शेयर किए हुए हैं, तो जिससे उनको भी प्रॉब्लम ना हो और जो अड़ोसी पड़ोसी नेबर्स हैं विसिनिटी में उनको किसी को प्रॉब्लम ना हो। और हमारा स्टाफ रेगुलर यहाँ पर पेट्रोलिंग करता है और परमानेंट भी प्लेस्ड है, और जो कोविड के चलान्स हैं उसको भी हम इंश्योर कराते हैं कि जिससे कि पब्लिक अवेयर रहे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करे, मास्किंग को फॉलो करे, जिससे कि इसका स्प्रेड ना हो। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर खुद दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो है एडिशनल SHO सतविंदर जी पेट्रोलिंग करते रहते हैं शाम के समय रात के समय, कभी इन लोग कोविड मरीज को कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं हो, इसलिए दिल्ली पुलिस हर वक्त मुस्तैद है। दिल्ली से शहनवाज खान, जनतंत्र TV। तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस काफी सक्रिय है और हर रेड लाइट पर सिविल डिफेंस कर्मचारियों द्वारा लोगों के मास्क न पहनने को लेकर चालान काटे जा रहे हैं। अब आरोप लग रहे हैं कि मास्क की आड़ में सिविल डिफेंस कर्मचारी लोगों को प्रताड़ित कर रही है। ताजा मामला दिल्ली में IIT फ्लाईओवर रेड लाइट का है, जहां पर एक व्यक्ति के मास्क ठीक से न पहनने पर सिविल डिफेंस कर्मचारी ने उसका चालान काट दिया, लेकिन उस शख्स ने दो अन्य सिविल डिफेंस कर्मचारियों का वीडियो बना लिया जिसमें दोनों बिना मास्क के पाए गए हैं। इसी बीच दोनों में काफी बहस हुई जिसके बाद सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने 2,000 रुपए वापस कर दिए, जिसके बाद सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने वीडियो डिलीट करने की मांग की है, लेकिन उस शख्स ने वीडियो वायरल कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं IIT फ्लाईओवर के नीचे, ये वही जगह है जहां पर दो दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि एक सिविल डिफेंस कर्मी थे दो, वो मास्क नहीं लगाए हुए थे और उनका मास्क को लेकर चालान नहीं किया जा रहा था, लेकिन इसी में एक आम जनता के लोग ने उसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। लेकिन जिस बंदे ने वीडियो बनाया था, हमारी उससे बात हुई है, तो उसका साफ कहना है कि मेरा थोड़ा सा मास्क नीचे था, इसको लेकर सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने मेरा चालान काटा, लेकिन उसके बदले में मैंने जब दो सिविल डिफेंस कर्मचारियां एक मेल एक फीमेल उन वो लोग हेलमेट के अंदर मास्क नहीं लगाए हुए थे, उसको लेकर जब मैंने उनका वीडियो बनाया तो उनके साथ मेरी काफ़ी बहस भी हुई, लेकिन बाद में उनके चालान के पैसे उनसे नहीं लिए गए और उनके 2,000 रुपये वापस कर दिए गए। लेकिन यह कई जगह ऐसा मामला सामने आया कि जहाँ सिविल डिफेंस कर्मचारियों द्वारा लोगों की कई बार शिकायतें भी आई हैं कि किस तरीके से सिविल डिफेंस कर्मचारी लोगों को परेशान कर रहे हैं और खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र TV। मैंने खुद उनका वीडियो
वीडियो बनाया है, मैं गाड़ी में चल रहा था, मेरे साथ में एक बंदा और था, उन्होंने भी पहन रखा था मास्क, हमने भी पहन रखा था, मेरा थोड़ा सा नीचे था मास्क, उन्होंने मेरे साथ में इतनी जो है बदतमीजी की बहुत ज्यादा, उनके स्टाफ ने खुद ने दो बंदों ने मास्क नहीं पहन रखा था, इनकी वीडियो मैंने खुद तैयार की और मैंने आपको तो फीमेल थे वहीं से उनके स्टाफ स्कूटी स्टार्ट करके निकल रहे थे विदाउट मास्क, हेलमेट ओढ़ रखा था और ऊपर से जो है बदतमीजी कर रहे थे, बोला ये हेलमेट है तो सही, इसके अलावा क्या चाहिए मुझे, मास्क की मुझे है ही नहीं जरूरत, वो तो इतने बदतमीज थे कि अपने आपको SHO समझ रहे थे, DSP समझ रहे थे, उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे, मेरी भी नहीं सुन रहे थे, किसी की भी नहीं सुन रहे थे, मैंने फिर भी उनकी वीडियो तैयार की है। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए जनतंत्र TV के साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।